हाय, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्थ। तो दोस्तों, फाइनली आज इंडिया में लॉन्च हो गया माइक्रोमैक्स इन टू बी फोन। तो चलिए सबसे पहले मैं इस फोन का प्राइस के बारे में बात कर लेता हूं। 4GB 64GB वाले का प्राइस रखा है इंडिया में 8,000 रुपये। 6GB 64GB वाले मैं वेरियंट के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस रखा है इंडिया में 9,000 रुपये। लेकिन दोस्तों, लगभग इसी प्राइस रेंज में मार्केट में अवेलेबल है Realme का Narzo 30A। तो दोनों ही फ़ोन में से आप लोग को कौन से फ़ोन को परचेज करना चाहिए, अगर आप लोग को ये जानकारी चाहिए तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि मैं स्पेक्स के अनुसार दोनों ही फ़ोन का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं डिज़ाइन के बारे में बात कर लेता हूँ। डिज़ाइन के बारे में आप ही नीचे कमेंट में ये मुझे बताओ कि आप लोग को डिज़ाइन बेटर किसका लगा। और दोनों ही का जो बैक साइड में, मतलब कि प्लास्टिक बॉडी हम लोग को देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक फिनिश के साथ आता है, या फिर पॉलीकार्बोनेट का बॉडी भी आप लोग बोल सकते हैं। डिज़ाइन के बारे में आप ही बताओ। वहीं मैं वेट के बारे में बात करूँ तो Realme का Narzo 30A का जो वेट निकल के आता है 209 ग्राम, और लेकिन 190 ग्राम का वेट निकल के आता है माइक्रोमैक्स इन टू बी फोन का। तो ये फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा हल्का है, मैं कंपेयर करूँ Realme Narzo 30 से। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ डिस्प्ले की। Narzo 30A में हम लोग को देखने को मिल जाता है 6.51 इंच का HD+ IPS LCD वाला डिस्प्ले। वहीं मैं बात करूँ माइक्रोमैक्स इन वन टू बी के बारे में, इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है 6.52 इंच का HD+ IPS LCD वाला डिस्प्ले। लगभग दोनों ही फोन का जो डिस्प्ले साइज है सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ सेल्फी कैमरा की। तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हम लोग को मिलता है Realme का Narzo 30A में, और इसमें वाटर ड्रॉप नॉच भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। और 5 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा हम लोग को देखने को मिल जाता है माइक्रोमैक्स इन वन टू बी फोन में, और ये जो फ़ोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। तो हम लोग को बेटर सेल्फी किस में देखने को मिल सकता है? जाहिर सी बात है, इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है तो Realme का Narzo 30A में। और दोनों ही फ़ोन में 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा हम लोग को मिलता है। लेकिन वहीं मैं बात करूँ प्रोसेसर की, तो MediaTek का G85 प्रोसेसर हम लोग को मिलता है Realme का Narzo 30A में, जो कि ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पे बेस है। वहीं मैं अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूँ तो इसका जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है करीब 1,95,000 के आसपास ही निकल के आता है। और यूनिसॉक का 610 प्रोसेसर मिलता है माइक्रोमैक्स इन टू बी फोन में, और ये प्रोसेसर भी 12 नैनोमीटर पे बेस है। तो मैं इसका अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूँ तो इसका अंतुतु स्कोर निकल के आता है 1,70,000 के आसपास। तो बेटर प्रोसेसर आप लोग को किस में मिलता है? नो डाउट Realme का Narzo 30A में आप लोग को बेटर प्रोसेसर मिल जाता है, मतलब कि इसमें आप लोग को परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा। अब ये नहीं है कि माइक्रोमैक्स इन टू बी में आप लोग को बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा ही नहीं, मैं ये बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसमें बेटर प्रोसेसर मिलता है तो आप लोग को गेमिंग परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा बेटर मिलने वाला है माइक्रोमैक्स नहीं Realme का Narzo 30A में। और 6000mAh का बैटरी मिलता है Realme का Narzo 30A में, 18W का फास्ट चार्जिंग भी मिलता है और टाइप सी केबल मिलता है। लेकिन 5000mAh का बैटरी मिलता है माइक्रोमैक्स इन टू बी फोन में, और इसमें 10W का ही चार्जिंग मिलता है और टाइप सी का केबल मिल जाता है। तो बेटर आप लोग को बैटरी मिलता है Narzo का 30A में, बेटर फास्ट चार्जिंग आप लोग को देखने को मिलता है Realme का Narzo 30A में। और दोनों ही फोन का बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और फेस अनलॉक का सिस्टम मिलता है। एंड्रॉयड 10 के साथ आता है Realme का Narzo 30A, लेकिन एंड्रॉयड 11 के साथ आता है माइक्रोमैक्स इन टू बी में। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा यहाँ पे डिफरेंस क्या निकल के आता है? हम लोग को स्टॉक एंड्रॉयड जो मिल जाता है माइक्रोमैक्स इन टू बी में, और ये एंड्रॉयड 11 के साथ आता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि मतलब माइक्रोमैक्स आप लोग को फोन में कोई भी एड वगैरह का झंझट देखने को ही नहीं मिलेगा, कोई भी इसमें फालतू ऐप भी नहीं मिलने वाला है, ये मेरा गारंटी है। मतलब कोई भी ना फालतू ऐप मिलेगा ना कोई ऐड मिलेगा, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोग को मिल जाएगा माइक्रोमैक्स इन टू बी फोन में यही। तो सबसे बड़ा आप लोग को बेनिफिट मिल जाता है माइक्रोमैक्स इन टू बी फोन में, तो इसलिए क्योंकि इसमें ऐड नहीं मिलेगा, कोई भी फालतू ऐप वगैरह इंस्टॉल देखने को नहीं मिलेगा। और दोनों ही फोन में हेडफोन जैक मिलता है, ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को दे देता हूँ अपना ओपिनियन कि मेरे विचार से आप लोग को कौन सा फोन को खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ Realme Narzo 30A की, इसका प्राइस क्या है। 4GB 64GB वाले वेरियंट की मैं बात करूँ तो इसका प्राइस है इंडिया में 10,000 रुपये, और 3GB 32GB वाले मॉडल का दाम है इंडिया में 9,000 रुपये।
मतलब कि 2000 रुपये आप लोग को ज़्यादा लगेगा रियलमी का नार्जो 30A को खरीदने। सेम वेरिएंट का प्राइस है माइक्रोमैक्स N2B का इंडिया में 8000 रुपये। तो दोनों ही फ़ोन में से आप लोग को कौन सा फ़ोन को चूज़ करना चाहिए? देखिए, आप लोग 2000 रुपये और ज़्यादा लगाते हैं तो नो डाउट आप लोग को बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस जो मिलने वाला है रियलमी का नार्जो 30A में। क्योंकि दोस्तों मैंने रियलमी का नार्जो 30A का अनबॉक्सिंग वीडियो बना लिया है, रिव्यू वीडियो बना लिया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन आप लोग माइक्रोमैक्स का फोन को कम मत समझिएगा, क्योंकि इसमें भी बेटर प्रोसेसर हम लोग को मिलता है, जबकि इसका प्राइस 2000 रुपये कम रखा गया है इंडिया में। मैं कंपेयर करूँ प्राइस किससे, रियलमी का नार्जो 30A से, और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कोई भी ऐड नहीं मिलता है और कोई भी फालतू ऐप वगैरह इंस्टॉल देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए, सीधी बात, नो बकवास, माइक्रोमैक्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे इंडिया में। आपको बेटर परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं रियलमी का नार्जो 30A, लेकिन इसके लिए आप लोग को 2000 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ, कभी कल इसका प्राइस हो जाता है 8000 रुपये, 9000 रुपये, ये आप लोग को देख लेना है, लेकिन ये आप लोग को सस्ते दाम में मिलने वाला है माइक्रोमैक्स का N2B फ़ोन। तो दोस्तों, मेरी माने तो आप लोग को एक 8000 में फ़ोन ख़रीदना है तो मेरे विचार से आप लोग को ख़रीदना चाहिए माइक्रोमैक्स का N2B फ़ोन। मतलब कि इस प्राइस रेंज में ये सबसे बेटर फ़ोन निकल के आता है मेरे विचार से। लेकिन आप लोग को 10000 या फिर 9000 लगाना है तो ही आप लोग को लेना है रियलमी का नार्जो 30A, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और बैटरी भी थोड़ा सा बेटर मिलता है, चार्जिंग भी थोड़ा सा बेटर मिलता है। आपको 8000 में, मतलब 8000 नहीं होता, 8000 में फ़ोन खरीदना है तो सीधी बात, नो बकवास, आप लोग को माइक्रोमैक्स N2B से अच्छा कोई भी फ़ोन मार्केट में नहीं मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।